हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर ऑफ टेक्निक में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो को सर्च बार में कैसे ले गया है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमारी वीडियो सर्च बार में आए यानी कि फर्स्ट पेज पर हमारी वीडियो रैंक करे। तो हमें कैसे वीडियो फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी, हमें अपनी वीडियो अपलोड करते समय किन चीज़ों को अच्छी तरीके से डालना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो पहले क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए, जिससे हमारा व्यूवर आए तो वो वीडियो को देखे तो उससे क्वालिटी अच्छी लगे तो वो वीडियो छोड़ के ना जाए। तो दोस्तों जैसे अगर क्वालिटी आपकी वीडियो की अच्छी होगी तो आपका व्यूवर होगा वो आपकी वीडियो पूरी देखने में इच्छुक होगा, ठीक है। सबसे पहली बात अब आपको मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप लगाएंगे अट्रैक्टिव थंबनेल। थंबनेल होगा तो वो अट्रैक्टिव हो, उस पर ज़्यादा ना लिखें, कम वर्डों में पूरी बात कह दें। जैसे हमने कोई भी वर्ड लिख दिया, अब मैं जैसे यही वीडियो बनाने वाला हूँ, यही वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि वीडियो वायरल कैसे करें। तो बहुत सारे लोग होंगे अभी इसका थंबनेल बनाएंगे तो उस पर लिख देंगे अपनी यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, ये सब बहुत डिटेल में लिख देंगे। ऐसा नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट लिखना है अपनी वीडियो, अपनी यूट्यूब वीडियो सर्च बार में कैसे लाएं। बस ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया कि वीडियो सर्च बार में कैसे आएगी। तो ये पहली ट्रिक हो गई जिसे हम अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे। दूसरी हमें टाइटल होता है, टाइटल जो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है ऊपर लिखा हुआ होता है टाइटल, तो उसको टाइटल को बढ़िया तरीके से लिखें। जिस टॉपिक पे हमारी वीडियो बनी हुई है वही टॉपिक पे टाइटल लिखें। जैसे हमारी वीडियो है वीडियो सर्च बार में कैसे आए, तो सबसे पहले लिखेंगे वीडियो सर्च बार में कैसे लेके आए ऑन द फर्स्ट पेज ऑन यूट्यूब पर वीडियो पहले पेज पर कैसे लेके आए, तो ये हमें बढ़िया तरीके से सजा के लिखना है। और फिर वहां पर होता है स्लैश लगा दिया, दूसरे तरीके से यही इसी पॉइंट को घुमा के दूसरे तरीके से लिख दिया, तो ये होना चाहिए। फिर आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने टाइटल लिखा था कि वीडियो सर्च बार में कैसे लेके आए, और टाइटल के साथ साथ में अपने चैनल का नाम दो लाइनों के अंदर अपने चैनल का नाम भी डालना है। दो लाइनें टाइटल की लिखी तो वहाँ पर अपने चैनल का एक छोटा सा नाम दे दिया। फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वहाँ पर जो आपने लिखा था फर्स्ट लाइन में कि आप अपनी YouTube वीडियो को सर्च बार में कैसे लेके आए, यही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में दो लाइनों के अंदर अंदर अपने चैनल का भी नाम डाल देना है, जिससे आपका चैनल का नाम होगा वो भी रैंक करने लगेगा, धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह हम अपनी वीडियो को टाइटल में टाइटल लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वीडियो हमारी सर्च बार में आती है। तो डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वीडियो को बढ़िया तरीके से लिखेंगे और ये अपना जो वर्ड है कि वीडियो सर्च बार में कैसे लेके आए उसे हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है हमारा टैग। तो दोस्तों हम टैग कैसे लें, तो टैग बहुत से होते हैं, यू टैग प्रो एक एप्लीकेशन आती है उससे टैग दूसरों के कॉपी करते हैं, तो ये टैग कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपना टैग बनाओ और बढ़िया टैग बनाओ। सबसे पहले टैग में हम एक टैग लिखेंगे कि वीडियो सर्च बार में कैसे लेके आए, ये वीडियो हमने सर्च बार में कैसे लेके आए टैग लिखा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर दूसरा टैग लिखा और वो अपनी YouTube वीडियो सर्च बार में कैसे लेके आए, इस तरह से मतलब वीडियो से रिलेटेड सर्च बार में आना ही चाहिए, इस तरह से रिलेटेड हम अपने टैग डालेंगे और ये टैग होंगे हमारे, जब ये हम चार काम अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी वीडियो सर्च बार में आने लगेगी। तो नमस्कार दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही।